हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो इस समय सभी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन बैंक का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका भी PGDF का एग्ज़ाम है। तो सभी तरह के बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, बैंक क्लर्क में और बैंक PO में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के थ्रू मैं बैंकिंग के वीडियो क्लासेस जो मैंने कुछ दिन से रोक दिए थे इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। और बैंकिंग के लिए वीडियो क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अब आप देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये है एक नया पैटर्न। और इस पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब को लिखा गया है, ठीक है। और ये चार सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इन चार सेंटेंसेस में, जिस सेंटेंस में या जिन सेंटेंसेस में लैश आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसके मीनिंग को सही तरीके से यूज़ किया गया है, वो आपका आंसर होगा। यदि आपको लगता है कि फर्स्ट और सेकेंड में लैश आउट के मीनिंग को सही तरीके से, सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आंसर होगा। यदि सभी में किया गया है तो आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो ये एक लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, और लेटेस्ट पैटर्न है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय बैंकिंग और बैंकिंग एग्जाम्स में, क्लर्क में और PO एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के फ्रेजेस अच्छे न्यूज़पेपर में, जैसे द हिंदू हुआ या इंडियन एक्सप्रेस हुआ, उनमें इनका बहुत ही कॉमन यूज़ होता है आर्टिकल्स में और एडिटोरियल्स में, ठीक है। तो जल्दी ही मैं हिंदू एडिटोरियल भी शुरू करूंगा इसी चैनल पर। तो चलिए इसको देखते हैं पहले, लैश आउट का क्या मतलब है। देखिए, लैश आउट के कई मीनिंग हैं। एक तो लैश आउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज होकर उसको डांटना, ठीक है। किसी व्यक्ति से जब आप नाराज होते हैं, एंग्री होते हैं, तो उसको डांटना, उसको भी हम लैश आउट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लताड़ना। जैसे बॉस होता है अपने एम्प्लॉयज़ को लताड़ता है या डांटता है, उसको हम बोलते हैं लैश आउट। और लैश आउट का एक मीनिंग और होता है ज़्यादा खर्च करना, पैसा अनाप शनाप पैसा खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेंट तरीके से पैसे को खर्च करना, उसको भी हम लैश आउट बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि एक ही वर्ड के या एक ही फ्रेजल वर्ब के कई कई मीनिंग्स होते हैं, और यही एक ऐसा एलिमेंट है जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा टफ और ट्रिकी बना देता है। तो इसके लिए आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होना ज़रूरी है अच्छे न्यूज़पेपर्स की। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। पीपल इन द मीटिंग लैश्ड आउट एट द कंपनीज डिसीजन टू रिड्यूस द ट्रैवलिंग अलाउंस बाय 3%। मतलब जो लोग थे मीटिंग में, वो कंपनी के डिसीजन से नाराज थे, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया था, कंपनी ने ट्रैवलिंग जो अलाउंस था, जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, TA जिसको बोलते हैं, उसको 3% कम कर दिया था। इसलिए पीपल इन द मीटिंग लेस्ड आउट एट द कंपनीज डिसीजन, उसके डिसीजन पर नाराज हुए और कंपनी डिसीजन को भला बुरा कहा। तो ये जो सेंटेंस है, ये सही है। इसमें सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं, द बॉस लेस्ड आउट एट जूनियर लेवल मैनेजर, ये भी सही है, फॉर फेलिंग टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स शॉर्टेज। जो एम्प्लॉय थे, वो जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी और उसकी जो शॉर्टेज थी, उसको उसके साथ वो डील नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बॉस उनको डांट रहा था, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस इसमें आपका सही है। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, बिफोर लीविंग फॉर माय कोचिंग क्लासेस आई लेस्ड आउट द डोर। कोचिंग जाने से पहले मैंने डोर को तेज बंद कर दिया था। उस सेंस में लेस्ड आउट का हम यूज़ नहीं कर सकते, उस सेंस में हम क्लोज द डोर या स्लैम द डोर, डोर को हम जब तेजी से बंद करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्लैमिंग, SLAMMING, स्लैम द डोर। तो इस सेंस में ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत है। यहाँ पर आपने लेस डाउट का जो यूज़ किया है वो गलत है। इसको देखते हैं, ही लेस डाउट 2 लाख रुपीज़ ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिस बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट के इनाग्रेशन पर केवल उसने 2 लाख रुपये खर्च कर दिया। मतलब एक ये बड़ा अमाउंट है 2 लाख रुपये एक बिजनेस यूनिट के इनाग्रेशन पर, तो इसलिए इस अमाउंट को एक्स्ट्रा वेगेंट अमाउंट माना जाएगा, ठीक है, फिजूल खर्ची माना जाएगा। तो इसमें यहाँ पर इसका प्रयोग सही किया है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, इसमें
सही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का ऑप्शन है इसमें। हाँ, ओनली फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का इसमें ऑप्शन है और इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आराम से करना है, एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है, तभी इसको आप सही तरीके से कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको रीडिंग करना है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू की टेस्ट सीरीज़ में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडअप टू। देखिए, एक एडअप भी होता है, एडअप अलग होता है और एडअप टू अलग होता है। एडअप का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति, एडअप का मतलब किसी चीज़ का रीजनेबल होना, किसी चीज़ का सही होना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है और कोई व्यक्ति बोलता है कि इट जस्ट डजंट एड अप, तो एड अप का मतलब है किसी चीज़ का रीजनेबल होना या सही होना। ठीक है, एड अप, लेकिन ये एड अप टू है, एड अप टू। तो एड अप टू में टू क्या है, एक प्रपोजिशन है, और एड अप टू व्हाट, एड अप टू ए पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब एड अप टू के बाद यहाँ पर एक नाउन होना जरूरी है एड अप टू के बाद। तो एड अप टू का मतलब होता है कि छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाना, उसको हम एड अप टू बोलते हैं। जैसे खर्चे होते हैं, ठीक है, या इनकम होती है, उसको हम एड अप टू, एक बड़ी इनकम बन जाती है छोटी छोटी इनकम मिल के। ठीक है, एड अप टू का मतलब यह है कि कोई एक्शन आप ले रहे हैं, कोई काम आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उससे मिलके एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, तो उसको भी एड अप टू बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से इसका यूज़ हुआ है। द मनी आई सेव्ड फॉर द मॉम्स बर्थडे एड्स अप टू एग्जैक्टली 30,000 रुपीज़। ये बिल्कुल सही यूज़ हुआ है, जो मैंने पैसा सेव किया वो जुड़ के कितना हो गया, 30,000 रुपीज़ हो गया मॉम की बर्थडे के लिए, तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा देखते हैं, दीज डिटेल्स विल एड अप टू ए कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स। ये जो डिटेल्स हैं, ये कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे मिलके कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड लास्ट 3 मंथ का ये बना देंगे, तो इस तरीके से ये भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट मंथ माय मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस एडेड अप टू ₹20,000, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बाय है, इसको बाय पढ़िए, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ दिस सॉफ्टवेयर विल एड अप टू ए न्यू एंड अमेजिंग फीचर। मतलब नेक्स्ट मंथ के एंड तक ये सॉफ्टवेयर जो है एक नया और अमेजिंग फीचर जोड़ेगा। जोड़ने के सेंस में हम केवल ऐड यूज करते हैं, ऐड अप टू हम यूज नहीं करते। ठीक है, ऐड अप टू हम यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है इसमें। फोर्थ, ये सेंटेंस गलत है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें सही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट ये नहीं होगा इसमें, ये नहीं होगा, ऑल एक्सेप्ट फोर इसमें, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑल एक्सेप्ट डी इसमें आपका सही आंसर होगा। पास ऑफ क्या है, पास ऑफ के भी कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, पास ऑफ का मतलब किसी चीज़ का सही तरीके से हो जाना। ठीक है, जैसे मीटिंग पास्ड ऑफ पीसफुली, किसी चीज़ का सही तरीके से हो जाना, उसको हम बोलते हैं पास ऑफ। पास ऑफ का एक मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर या डिसरिगार्ड करना। ठीक है, सपोज किसी व्यक्ति ने आपकी इंसल्ट की और आपने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब किसी चीज़ का एमिट, किसी सब्सटेंस का किसी जगह से बाहर निकलना, किसी चीज़ से बाहर निकलना, उसको भी हम पास ऑफ बोलते हैं। ठीक है, पास ऑफ का एक मतलब ये भी है कि कोई चीज़ ए है और उसको आप बी की तरह बता रहे हैं, कोई चीज़ बी है उसको आप सी की तरह बता रहे हैं, गलत इंटरप्रेट करना किसी चीज़ को, तो उसको भी हम पास ऑफ बोलते हैं। आई मैनेज टू पास ऑफ हिज इंसल्ट, मतलब उसने जो इंसल्ट की मेरी, मैंने उसको पास ऑफ कर दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, तो ये सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, द इवेंट पास्ड ऑफ विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट्स। इवेंट जो है बिना किसी मेजर इंसिडेंट के आसानी से, आराम से गुजर गया, हो गया। पास्ड ऑफ मतलब ऐसा हो गया, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, ही पास द फेक डायमंड ऑफ एज रियल।
मतलब उसने फेक डायमंड को रियल डायमंड की तरह इंटरप्रिट किया या दिखाया या डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से भी, इस सेंस में भी आप पास ऑफ का यूज कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं द कॉन मैन। कॉन मैन मतलब जो जो ठगने वाला व्यक्ति होता है, जो आपको स्विंडल करता है या ठगता है। द कॉन मैन ट्राई टू पास ऑफ अ पीस ऑफ ब्लू ग्लास एज ए सेफायर। मतलब ब्लू ग्लास को उसने सेफायर, जो कि बहुत महंगा एक स्टोन होता है, उसकी तरह उसने दिखाया कॉन मैन ने। तो फोर इसमें सही है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर सारे सेंटेंस इसमें सही हैं, और इसमें आंसर होगा आपका ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब है, इनकी प्रैक्टिस आपको रीडिंग के थ्रू ही इसको आप मास्टर कर सकते हैं। कम अपार्ट, कम मतलब आना और अपार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना। अपार्ट की जगह आप ऑफ भी बोल सकते हैं इसमें, कम ऑफ या कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब होता है कि किसी चीज का टुकड़े टुकड़े हो जाना, अलग अलग हो जाना, तितर बितर हो जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम अपार्ट, मतलब पार्ट्स में उसका अलग अलग डिवाइड हो जाना। इस सेंस में कम अपार्ट का बहुत ही कॉमन यूज होता है। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। द मैकेनिक वॉज ट्राइंग टू ओपन द इंजन ऑफ द ओल्ड मोटर बाइक बट इट केम अपार्ट। इट किसके लिए यूज हुआ है? इंजन के लिए। मतलब मैकेनिक जो है इंजन को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो इंजन था वो अलग अलग टुकड़ों में हो गया। मतलब हो सकता है पुराना हो, या हो सकता है उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया हो, तो इसलिए बट इट केम अपार्ट। तो यहां पर ये सही है ये सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज क्लीनिंग द ग्लास ऑफ द विंडो बट इट केम अपार्ट इन माई हैंड्स। मतलब मैं विंडो के ग्लासेस को सही कर रहा था, लेकिन ये मेरे हाथों में आ गया, अलग अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। हो सकता है पहले से वो चटका हुआ हो या टूटा हुआ हो। तो ये सेंटेंस भी यहां पर सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टुडे आई गॉट वन पार्सल एंड टुमारो टू मोर विल कम अपार्ट। मतलब आज मुझे एक पार्सल मिला है और कल मुझे दो और मिल जाएंगे। तो इस सेंस में कम अपार्ट का यूज करना गलत है, ये गलत है यहां पर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टुडे आई केम अपार्ट माई फ्रेंड इन डीबी सिटी मॉल। नहीं, आज मैं अपने फ्रेंड से डीबी सिटी मॉल में मिला या बाय चांस मिला। तो केम अपार्ट इस सेंस में हम यूज नहीं करते, इस सेंस में हम केम अक्रॉस या कम अक्रॉस यूज करते हैं। तो ये भी सेंटेंस गलत है इसमें। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस हैं वो सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें आपका आंसर होगा। टिक ऑफ का क्या मतलब है? देखिए, टिक ऑफ के कई सेंस निकलते हैं। टिक ऑफ, जैसे हम किसी लिस्ट पर जैसे टिक मार्क लगाते हैं, उसको भी हम टिक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, एक, फिर दो, फिर तीन। ठीक है, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, तो इसको हम टिक ऑफ बोलते हैं। उस सेंस में टिक ऑफ यूज़ था। टिक ऑफ का एक मतलब और होता है किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, अनॉय कर देना उसको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस टिक्ड ऑफ अ पेंशनर फॉर जंपिंग अ रेड लाइट। ट्रैफिक पुलिस ने एक पेंशनर को रेड लाइट क्रॉस करने के लिए उसको टिक ऑफ किया, उसको डांटा, उसको रेप्रीमांड किया। तो इस सेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं, टिक ऑफ। ठीक है, शी इज स्टिल टिक्ड ऑफ एट हिम। मतलब वह अभी भी उससे नाराज है फॉर ब्रशिंग हर ऑफ एंड गोइंग आउट विद यू इंस्टेड। मतलब वह अभी भी, शी इज टिक्ड ऑफ एट हिम, उससे वह अभी भी नाराज है क्योंकि उसने उसको उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, और वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घूम रहा है। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं टिक ऑफ को। सी इज स्टिल टिक्ड ऑफ, मतलब वह अभी भी नाराज है। तो फर्स्ट सही है इसमें, सेकंड सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हेल्ड हिज पेंसिल रेडी टू टिक ऑफ द पॉइंट ऑन हिज लिस्ट। ये भी सही है। टिक ऑफ, जैसे मैंने बताया टिक ऑफ करना, ऐसे हम टिक ऑफ करते हैं उसको, उस सेंस में ये सही है। That was an extremely funny movie and ticked me off a lot. मतलब ये बहुत ही funny movie थी और उसने मुझे tick off किया। जो funny movie है वो आपको नाराज नहीं कर सकती, वो आपको हंसाएगी। तो ये जो sentence है, यहाँ पर tick off का use जो हुआ है वो गलत है। Actually उसको हम बोलते हैं tickle, T-I-C-K-L-E, tickling करना, गुदगुदी करना। ठीक है, वो tick off नहीं होता, tickle होता है वो। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये सेंटेंस जो है इसमें टिक ऑफ का प्रयोग गलत हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें भी आप ये वाला आंसर लगा सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट फोर, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया। ऑल
एक्सेप्ट फोर, ये इसमें आपका सही आंसर होगा। ब्रेकआउट का क्या मतलब है? ब्रेकआउट के भी कई सेंस है। ब्रेकआउट का जैसे हम बोलते हैं फायर ब्रोक आउट, मतलब अचानक से आग जलने लगी, वॉर ब्रेक आउट, अचानक से युद्ध होने लगा, कोई चीज अचानक से फैलती है या अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तो उस सेंस में हम ब्रेक आउट का यूज करते हैं। ब्रेक आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, ब्रेक आउट के बाद यदि यहां पर आप ऑफ लगाते हैं तो उसका मतलब है किसी फिजिकल कन्फाइनमेंट से बाहर निकलना या किसी रूटीन से बाहर निकलना, उस सेंस में हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं और उसका आंसर लगाते हैं। पर्सन हु इज अलर्जिक टू कैश्यू में ब्रेकआउट इन ए रैश व्हेन ही कंज्यूम्स दीज नट्स। ये भी सही है। ब्रेकआउट इन ए रैश का मतलब होता है कि कोई 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 ऐसी चीज आप खा लेते हैं जिससे आप अलर्जिक हैं, तो आपके चेहरे पर या आपकी स्किन पर रैशेज निकल आते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में ये सही है, ये सेंटेंस जो है इस सेंस में ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इट्स टेकन ए लॉन्ग टाइम टू ब्रेक आउट ऑफ माय ओन कन्वेंशनल ट्रेनिंग। ये भी सही है। किसी कन्वेंशनल ट्रेनिंग से बाहर आना, किसी रूटीन से बाहर आना, किसी बोरिंग चीज से बाहर आना, उस सेंस में आप ब्रेक आउट ऑफ आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, आई वॉज इन ए नाइट क्लब इन ब्रिक्सटोन एंड ए फाइट ब्रोक आउट। मैं नाइट क्लब में था ब्रिक्सटोन में और अचानक से फाइट शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द टू मैन ब्रोक आउट ऑफ देयर सेल्स एंड कट थ्रू अ पेरीमीटर फेंस। मतलब दो व्यक्ति अपने अपने सेल से बाहर निकले और उन्होंने पेरीमीटर फेंस, जो चारों तरफ फेंस लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। चारों सेंटेंस सही हैं इसमें, इसमें होगा ऑल आर करेक्ट। एक और देखते हैं, मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है कि इस चीज को मैं मेकअप कर दूंगा, बना दूंगा किसी चीज के लिए। इसका मतलब यह है कि किसी चीज का, किसी चीज को कंपनसेट करना, ठीक है। सपोज आप एक हफ्ते में पांचों दिन पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक घंटे पांच घंटे पढ़ते हैं, और आप बाहर चले गए और फिर दो वीक बाद बाहर आए, तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए एक वीक में फिर दो दो घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप एक एक घंटे पढ़ते थे, लेकिन चूंकि नुकसान हो गया, उसको कंपनसेट करने के लिए अब आप दो दो घंटे पढ़ रहे हैं। तो मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, मेकअप फॉर, कंपनसेट फॉर समथिंग, ठीक है, ये इसका सबसे मेन मीनिंग होता है, मेकअप फॉर समथिंग। अब यहां हम देखते हैं, यू नीड टू डू समथिंग टू मेकअप फॉर योर रूडनेस। मतलब आपने जो रूडनेस करी है किसी व्यक्ति के साथ, गलत व्यवहार किया है, उसके लिए आपको कुछ अच्छा काम करना होगा, टू मेकअप फॉर योर रूडनेस। तो यहां पर ये सेंटेंस जो है, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन मेकअप फॉर द डेथ ऑफ ए चाइल्ड। एक चाइल्ड की यदि डेथ हो जाए तो उसको कोई भी मनी का कोई भी अमाउंट उसकी भरपाई नहीं कर सकता, तो ये सही है आपका। थर्ड देखते हैं, शी मेड अप फॉर हिम अ नाइस डिनर एज ही केम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। नहीं, ये गलत है। उसने उसके लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया क्योंकि वो बहुत दिनों बाद वापस आया था। ये शायद एक माँ और बेटे की बात हो रही है, ये सेंटेंस गलत है। इस सेंस में हम मेड अप फॉर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। शी गेव हिम अ बॉटल ऑफ वाइन टू मेकअप फॉर मिसिंग हिज बर्थडे। चूंकि वो अपनी बर्थडे को मिस कर रहा था, इसलिए उसकी भरपाई के लिए उसने उसको बॉटल ऑफ वाइन दी। तो ये सही है सेंटेंस। इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब ऑल एक्सेप्ट थर्ड, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर एक्सप्लेन किए हैं, और यदि आप एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैंक पीयू एग्जाम की, बैंक क्लर्क एग्जाम की, या इंडियन बैंक पीजीडीएफ एग्जाम की, तो उसके लिए हमारा टारगेट बैच अभी चल रहा है, और हमारे एक साल के जो ई कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसके रिगार्डिंग आप इन नंबर्स पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन भी दबाएँ, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो,
और इसको लाइक भी करें यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया। जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।